अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के सौतीगंज से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कपड़ा फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों के लाखों रुपए हड़पे हुए हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उसी को लेकर आज एक गरीब महिला SSP ऑफिस पहुंची और अपने पैसों की मांग करते हुए फूट फूट कर रोई। महिला इंसाफ के लिए SSP से मिलना चाहती थी, लेकिन महिला को SSP से नहीं मिलने दिया गया। जबरन पुलिसकर्मी महिला को गाड़ी में डालकर SSP ऑफिस से थाने ले गए और महिला की एक नहीं सुनी। देखिए SSP ऑफिस पहुंची महिला की इंसाफ के लिए गुहार लगाते हुए कुछ तस्वीरें। मेरे माँ बाप भैया मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे सारे मेहनत के पैसे रख के सिलाई के सोतीगंज में बहवाब चुपुल के वो बनाता है कवर बनाता है। मैं काम कर रही हूँ 7 साल से भाई, 7 साल से हर महीने की 40-40 रुपए का पीस 401 का लिख रखा है, 35-35 रुपए का पीस 350-351 का लिख रखा है। भैया मेरी लाख लाख रुपए की तनख्वाह लिख रखी है, मुझे नहीं रही है। 10-5 हजार रुपए दे देते थी, बात इससे ज्यादा नहीं। मेरा पूनम नाम है, तुम क्यों मर गए? पापा देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे जीना हराम कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे पैसे नहीं दे रहे। पापा पापा मैंने यहाँ भी एप्लीकेशन दे दी SP के, मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। तुम SSP से मिली थी? अरे तुम अंदर SSP से मिली? मिली थी? SSP से मिलने दिया? बाहर निकालना है SP साहब से। नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया मुझे भैया। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है भाई? मेरी लोग जाओ अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या उषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।